हिस्सा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर भारत लाया जा रहा है। मेडिकल इमरजेंसी के चलते उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। राष्ट्रपति पोडेल को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाएगा। राष्ट्रपति के मीडिया सलाहकार ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति पोडेल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद एक महीने के भीतर दूसरी बार मंगलवार को नेपाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। काठमांडू पोस्ट ने राष्ट्रपति की मीडिया सलाहकार किरण पोखरेल के हवाले से बताया कि पोडेल नई दिल्ली स्थित एम्स में उपचार कराएंगे। पोडेल को एयर एम्बुलेंस के जरिए भारत लाया जा रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खटका सहित अन्य नेताओं ने पोडेल का हलचल जाना था। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति पोडेल ने पेट में दर्द की शिकायत की थी। काठमांडू पोस्ट ने राष्ट्रपति के एक सलाहकार के हवाले से अपनी खबर में कहा, उनके ऑक्सीजन स्तर में गिरावट के बाद हम उन्हें अस्पताल ले गए। 15 दिनों से एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ये दूसरा मौका था जब राष्ट्रपति एक महीने के भीतर अस्पताल में भर्ती हुए। पिछले हफ्ते पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी के साथ बने रहिए राजनवा टीवी के साथ। धन्यवाद।